विवेक ओबेरॉय एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चाओं में रहे। विवेक अपने रिलेशनशिप को लेकर खूब लाइमलाइट में रहे। बॉलीवुड में एंट्री मारने के बाद उनकी फिल्में सबको पसंद तो जरूर आई, लेकिन ज्यादा हिट नहीं हो पाई। बताया जाता है कि विवेक ओबेरॉय का ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अफेयर था। खबरें तो ये भी थी कि सलमान खान ने इसके लिए विवेक ओबेरॉय को धमकी तक दे दी थी और जिसके बाद विवेक और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले विवेक अभिनेता होने के साथ साथ खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने कई स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है जो कि ज्यादातर हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है। विवेक ओबेरॉय के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2002 में बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। अपने 18 साल के फिल्मी करियर के दौरान विवेक ओबेरॉय ने कई उतार चढ़ाव फेस किए। इसके अलावा उनका नाम कई बड़े विवादों में भी शामिल रहा। साथिया, मस्ती, युवा, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग से अपनी काबिलियत साबित करने वाले विवेक ओबेरॉय की एक गलती का सीधा सीधा असर उनके करियर पर पड़ गया। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट के दौरान विवेक ओबेरॉय की मुलाकात ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान से हुई, जिसके बाद विवेक और ऐश्वर्या राय की नजदीकियां बढ़ने लगी। सलमान से हुए ब्रेकअप से दुखी ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए उस समय विवेक सहारा बन गए। और फिर क्या था, दोनों के अफेयर्स की खबरों ने खूब जोर पकड़ लिया। हालांकि इस वजह से अभिनेता का पूरा करियर बर्बाद हो गया। कुछ समय बाद ऐश और विवेक का ये रिश्ता अचानक ही खत्म हो गया। लेकिन ऐश ने कभी भी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं किया कि वो विवेक के साथ रिलेशनशिप में है। ऐश के साथ अपने रिश्ते के बारे में विवेक ने यह भी खुलासा किया था कि अभिनेता सलमान खान ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी है। ऐश के साथ खत्म हुए अपने रिश्ते के बाद विवेक का नाम किसी भी एक्ट्रेस से नहीं जुड़ा, यहां तक कि वो इंडस्ट्री से भी गायब हो गए। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मंत्री दिवंगत जीवराज उल्टा की बेटी प्रियंका अलवा के साथ अरेंज मैरिज कर ली। विवेक इन दिनों अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वेल, उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो लास्ट टाइम उनको फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में देखा गया था। वहीं अब जल्द ही वो हॉरर थ्रिलर फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर में नजर आएंगे, जिसमें श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को भी देखा जाएगा।